हर मांस को कपकपाती ठंड से लोग हुए परेशान। लोग अपने घरों में दिन भर दुबके रहे। स्कूल जिला प्रशासन के आदेश पर बंद किया गया। वहीं सड़क के किनारे फुटपाथी दुकानदारों ने आग जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश में लगे रहे। इस 10 दिन के ठंड ने लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। आज समस्तीपुर शहर और शहर के बगल में बसे लगभग 15 से 16 चौक चौराहे पर जिला परिषद लोक कार्य समिति के अध्यक्ष संजीव कुमार राय ने शहर के कुछ गणमान्य लोगों को साथ लेकर अलाव की व्यवस्था कराया। अब तक श्री राय के द्वारा 3 बार कपकपाती ठंड में अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था की गई है। लोगों ने उनके द्वारा किए जा रहे इस सहायता की सराहना किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी न्यूज, समस्तीपुर। तमाम साथियों की तरफ से संजीव राय जी जिला पार्षद हैं, समाज सेवी हैं, कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने इस भीषण ठंड में गरीबों के लिए जो ये नेकी का काम किए हैं, इसके लिए पूरे जिलावासियों की तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं इसी तरह वो बढ़ चढ़ के गरीबों जो सबसे पिछले पायदान पर बैठे हुए हैं असहायों के बीच, जैसे कि दो रोज पहले इन्होंने कंबल का वितरण किया, अभी अलाव का वितरण कर रहे हैं, तो इनको भगवान और तरक्की दें और अपनी ओर से इनको बिहार में ठंड की अभी है इन दिनों, इसमें संजीव राय जी जैसे समाज सेवी आगे बढ़ के इस तरह का कदम उठाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम इस शहर में इस समाज के हर वर्ग के लोगों को करना चाहिए। संजीव राय जी ने अभी विगत 3 दिन पहले हमने देखा है अखबार के माध्यम से इन्होंने कंबल का वितरण किया है और आज इन्होंने अलाव का व्यवस्था किया है। ये हमारे समझ से इस तरह की प्रेरणा इस समाज के हर लोगों को लेनी चाहिए और हर लोगों को गरीब गुरबा अरे एक छोटा सा भी प्रयास करे तो समाज के लोगों से इस तरह का अच्छा काम करे तो बहुत सारे लोगों को इससे सहायता मिलेगा, ठंड से बचने का ये एक अच्छा प्रयास है। विगत 14-15 दिनों से उत्तरी बिहार में कड़क ठंड पड़ रही है। लगभग अखबार के माध्यम से मुझे मालूम हुआ है 18 वर्षों के बाद उत्तरी बिहार में ऐसी कड़क ठंड पड़ रही है। तो मेरे माता पिता समाज सेवी रहे हैं, पूर्व मुखिया रहे हैं, उनके ये समाज सेवा की भावना से मुझमें भी सेवा भावना की जगी और इसी के तहत मैंने लगभग एक हफ्ता पहले भी अलाव का कई चौक चौराहों पर शहर में मैंने जलवाया हूँ। बीच में 2 दिन पहले आपको जानकारी होगी माल गोडाउन चौक पर लगभग 100 आदमी के बीच जो विकलांग है, असहाय है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, जिसको कोई उपाय नहीं है, इसके बीच मैंने कंबल बांटने का काम किया। उसके बावजूद भी मुझे संतुष्टि नहीं है क्योंकि ठंड काफ़ी पड़ी हुई है। मैंने सोचा ये कम पड़ गया है तो मैं आज 2 ट्रैक्टर लेके लकड़ी आया हूँ और शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर जैसे स्टेशन चौक हुआ, माल गोडाउन चौक हुआ, भूतनाथ मंदिर चौक हुआ, चीनी मिल चौक हुआ, रामबाबू चौक हुआ, अस्पताल चौक हुआ, सिविल हॉस्पिटल, वैसे जगह पर जहाँ गरीबों का बसेरा है, जहाँ काफ़ी गरीब लोग रह रहा है, जहाँ काफ़ी गरीब लोग हैं जिनका कोई उपाय नहीं है, इनके लिए मैं अलाव का व्यवस्था किया हूँ। यही मैं शुभकामना के साथ धन्यवाद।